पिछले एक महीने में मुझे दो बार आप लोगों के साथ प्रेस वार्ता करने का मौका मिला है, ये तीसरी बार है। आप लोगों का स्वागत है, प्रेस के जितने बंधु यहाँ पर आए हैं आप सभी का स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। जैसे जैसे तेलंगाना में चुनाव करीब आ रहा है, कांग्रेस और बीआरएस दोनों जो है अपने अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं और उनको जो एडवाइस कर रहे हैं वो एमआईएम कर रही है। कहीं ना कहीं सबका एजेंडा है कि एक दूसरे का विरोध करो, एक दूसरे का के बारे में नेगेटिव बात करो और ऐसा ड्रामा कर रहे हैं जैसे मानो के दोनों तीनों पार्टियां अलग अलग हैं। लेकिन हकीकत तो है कि जब एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए, कहीं मिसलीड करने के लिए लगाते हैं कि उनकी वो समझते हैं कि तेलंगाना की जो जनता है वो नहीं जानती कि तीनों का मकसद एक है, परिवार को प्रोटेक्शन देना, परिवार के लिए काम करना और प्रदेश का माल लूटना। पिछले 10 साल से बीआरएस जिस तरह से यहाँ पर करप्शन का नंगा नाच किया है, जिस तरह से रैम्पेंट करप्शन किया है, वो प्रदेश की जनता को हर चीज मालूम है। एक नहीं अनेक जो उन्होंने करप्शन किया है उसकी सच्चाई जो है जनता के पास है और इस तरह के ड्रामे जो कर रहे हैं वो खुद अपने आप को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब राहुल गांधी ये कहते हैं, आपको पता है राहुल गांधी जी आजकल यहाँ है और बड़े बड़े बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब ये कहते हैं तो बहुत बड़ा मजाक लगता है, लगता है कि एक दशक का मजाक है। ऐसा कोई मजाक नहीं किया, वो कहते हैं कामलेश्वर जो प्रोजेक्ट है उससे बहुत बड़ा करप्शन हुआ है और उसकी जांच कराएंगे और 1,00,000 करोड़ केसीआर से वसूली करेंगे। लेकिन सबको मालूम है कि केसीआर किस खेमा के थे, केसीआर की टीम किस खेमा की है, केसीआर का पूरा इतिहास जो है वो जनता को मालूम है। इसलिए कि दोनों पार्टियां, कांग्रेस में पहले केसीआर थे, मनमोहन जी के साथ थे, मनमोहन जी के कैबिनेट में थे और शुरू से इनका रिश्ता रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ, और ये दोनों अंदर से पूरे तौर से मिले हुए हैं। प्रदेश को लूटने की पूरी तरह से जो इनके जो रणनीति है उसमें वो बराबर कामयाब होते हैं। लेकिन ये जब कहते हैं कि हमने उनके उन पे कार्रवाई करेंगे और वसूली करेंगे तो ऐसा लगता है मानो ये मजाक कर रहे हैं, इसलिए कि इन्होंने आज तक तो कुछ नहीं किया है। तेलंगाना की जब सरकार आई तो केसीआर ने कहा था कांग्रेस ने बहुत बड़े घोटाले किए, बहुत बड़े बड़े घोटाले किए और कांग्रेस इस घोटाले के लिए उसकी जांच कराएगी केसीआर। केसीआर ने तो जांच कराई नहीं, कांग्रेस का कुछ हुआ नहीं। इससे समझ में आता है कि जो सालों साल का रिश्ता है वो आज भी कायम है और रिश्ता जो है वो दो ही चीज़ के लिए है, करप्शन करने के लिए, प्रदेश का धन लूटने के लिए और अपने अपने जो परिवार है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये परिवार के लिए चिंतित रहते हैं, चाहे एमआईएम हो, चाहे बीआरएस हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सबकी चिंता अपने परिवार होती है और कैसे जो है लोगों को गुमराह करे, जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे और इस तरह से लोगों के बीच में ड्रामा करे कि दो अलग अलग पार्टियां अलग अलग एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में सब साथ हैं। जो भी जनता के खून पसीने की कमाई है वो तो ये मजा कर रही है परिवार उसको लूट के, लेकिन जनता तराई तराई कर रही है, इसलिए कि जनता को जॉब चाहिए था, जनता को डेवलपमेंट चाहिए था, जनता को विकास चाहिए था, जनता को बहुत सारी उम्मीदें सुविधाएं चाहिए थी। लेकिन केसीआर लोगों ने जो वादा किया वो कोई वादे पूरे नहीं किया। हाँ, धन लूटने का जो उसने कांग्रेस के साथ जो मुआहदा किया था, और बल्कि 2014 में यहाँ तक बात चली थी कि कांग्रेस और वो मर्ज हो जाएंगे, एक साथ रहेंगे, एक पार्टी रहेंगे, मर्ज होकर रहेंगे, लेकिन 2014 में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस को लगा कि अगर साथ होकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है और वो हार जाते हैं, कांग्रेस
2004 से 2014 में बहुत करप्शन किया था, कई लाख करोड़ का करप्शन किया था, जैसा पिछली बार आप लोगों के साथ संबोधित करते हुए आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि जब 13 लाख करोड़ का कांग्रेस का भ्रष्टाचार गिनते गिनते 13 लाख पहुंचे तो हमने गिनना छोड़ दिया, इसलिए कि इतना ज्यादा करप्शन किया था, इतना रैम्पेट करप्शन किया था। तो उनको लगा कि केसीआर को अलग रहने देते हैं और ये केसीआर को यूज करेंगे यहाँ के धन को लूटने के लिए। इसीलिए मैं पिछले बार भी आपको कहा था कि करप्शन का स्लीपर सेल बना के रखा है कांग्रेस और उसके जो घमंडिया गठबंधन है, वो एक स्लीपर सेल हर जगह करप्शन का बना के रखा है। इस प्रदेश में बीआरएस स्लीपर सेल है, यहाँ से जो भी कमाई होती है उसका कमीशन जो है, उसका बंटवारा जो है वो घमंडिया सेल के साथ होता है, एमआईएम के साथ होता है, ये सब जो है सरगना जो है करप्शन के यहाँ पर बीआरएस है उन लोगों के लिए। ये आपस में मिले मिले, इनको अपने परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, इनको परिवार की सुरक्षा, परिवार की चिंता ज्यादा है ना के जनता की। जनता तराई तराई करते रहे, जनता रोती रहे, जनता परेशान रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं कह सकता हूँ कि ये सारी चीजें जो है जनता को दिखाने के लिए, गुमराह करने के लिए। मैं पूछता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर राहुल गांधी जी आए हुए हैं, राहुल जी ये बताइए, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या आप भूल गए कि आपके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी जी, उनको नोट फॉर वोट स्कैम पर अभी भी केस चल रहा है कोर्ट में? क्या किया था उन्होंने? एल्विस स्टीफन करके एमएलसी को उन्होंने ब्राइब करने की कोशिश की, क्या ये केस इनको नहीं मालूम है? क्या उसकी जांच कराएंगे? केसीआर के बारे में तो बोल दिया उन्होंने, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है कि एक दूसरे को इस तरह से टारगेट करेंगे ताकि जनता जो है सोचे कि दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों साथ हैं। मैं पूछता हूं कि केसीआर क्या वो रेवंत रेड्डी के बारे में जनता को बताएंगे? ये नोट फॉर जो स्कैम हुआ है, नोट फॉर वोट का स्कैम, क्या इसकी जांच कराएंगे? और मैं पूछता हूं आपके माध्यम से कि आखिर केसीआर क्यों चुप है? वो रेवंत रेड्डी के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं? ये तो केस चल रहा है कोर्ट में, सबको मालूम है कि यहां पर करप्शन हुआ है, ब्राइब दिया देने की कोशिश की है। मैं तो नाम भी ले रहा हूं, एमएलसी थे एल्विस स्टीफन, उनको देने की कोशिश की और दिया जो भी, कि पूरा मामला कोर्ट में है इसलिए ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते। लेकिन क्या इस चीज की राहुल गांधी जांच कराएंगे? ये जनता को बताए, इस तरह जनता को बताने का काम करें कि भाई हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो करप्ट हैं, जैसे मैं बेल में करप्शन के मामले में बेल पे हूँ, मेरी माता जी बेल पे हैं, मेरी बहन बेल पे हैं, सब तो परिवार बेल पे है, और वैसे रेवंत रेड्डी भी करप्शन के मामले में पूरे तौर से मुलविस है लेकिन उनपे कोई उनके बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर रहे। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि केसीआर भी नहीं कर रहे हैं। आपने कोई सुना केसीआर रेवंत रेड्डी को टारगेट कर रहे हैं? नहीं सुना होगा, क्यों? ये साठ गांठ है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि केसीआर और रेवंत रेड्डी एक दूसरे को टारगेट नहीं करेंगे, इसलिए कि केसीआर और रेवंत रेड्डी बिजनेस पार्टनर है, दे आर ऑल करप्शन इन क्राइम, चाहे असाउद्दीन ओवैसी हो, केसीआर हो, रेवंत रेड्डी हो, और इसका माल जो लूटते हैं वो राहुल गांधी जी को वहां जो है जो स्लीपर सेल का काम है कि लूट के माल वहां पहुंचाना, वो वहां पहुंचाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनका काम है एक दूसरे को गुमराह कर, एक दूसरे पर टारगेट करना और जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हमें मुझे लगता है कि तेलंगाना की जनता जो है वो बहुत बहुत ज्यादा जागरूक है, वो समझती है कि और जानती है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास और जानती है केसीआर का इतिहास, और वो ये भी जानती है कि मजलिस पार्टी का इतिहास क्या है, और तीनों पार्टियां करप्शन से, ये तीनों पार्टियों को पहले तो अपने अपने परिवार की रक्षा करनी है, ये परिवारवाद पार्टी है, इनको जनता की कोई चिंता नहीं, कोई भी चिंता नहीं इनको परिवार के लिए, और साथ में करप्शन करना इसलिए कि इनकी अंडरस्टैंडिंग बैठी हुई है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या राहुल गांधी जी वो 7 MLA 2014 में, 22 जो 12 MLA उसके बाद दूसरे टर्म में, ये लोग जो कांग्रेस में रह के, कांग्रेस को छोड़ के जो वापस बीआरएस में गए, क्या उसकी भी
इंक्वायरी कराएंगे कि आज वो फिर से वापस कांग्रेस में कैसे हैं। भैया कांग्रेस छोड़ के गए टीआरएस के, टीआरएस में उस वक्त आरबी बीआरएस, और फिर वापस फिर कांग्रेस में, आखिर माजरा क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, प्रदेश की जनता को यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए कि आखिर आपने किस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे 7 2014 में और 12 2019 में सप्लाई किया अपने एमएलए को बीआरएस में, आखिर क्या अंडरस्टैंडिंग थी? और यही अंडरस्टैंडिंग इनकी इस बार भी है कि एक दूसरे को सप्लाई करेंगे, साथ साथ रहेंगे तो प्रदेश की जनता माल लूटने नहीं देगी, इसलिए कि उनको गुमराह नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये इनका एजेंडा है। एजेंडा ये है कि अलग अलग लड़ो और जब और एमएलए जो है सप्लाई करते रहो बीआरएस को, ताकि वो सरकार बनी रहे और इनको माल मिलता रहे। तो ये प्रदेश की जनता जानती है। और 2004 में जब सोनिया गांधी जी ने कहा था कि हम तेलंगाना स्टेट बनाएंगे, तब तो केसीआर भी साथ थे, साथ में मंत्रिमंडल में थे, लेकिन नहीं बनाया। 2009 में अचानक अनाउंसमेंट कर दिया कि हम तेलंगाना बनाएंगे, उस पूरे मुहिम में अचानक फैसले से 1200 छात्रों की मौत हो गई, शहादत हो गई। उन छात्रों ने इसलिए नहीं शहादत दिया कि इन परिवारों को हम प्रदेश को लूटने देंगे, इसलिए नहीं शहादत दिया, उन छात्रों ने शहादत दिया था इस प्रदेश के लिए, अपनी जान दे दी इसलिए कि इस प्रदेश को आगे देखना चाहते थे, प्रदेश के उन्नति देखना चाहते थे, प्रदेश में रहने वाले लोगों की उन्नति देखना चाहते थे। आज तो यहाँ जनता के ना एजुकेशन का सवाल, ना जनता की अच्छे रहने सहने के लिए जो सरकारी संस्थानों के से उनको सपोर्ट मिलना चाहिए उसका वो भी नहीं है, लेकिन हाँ लाखों करोड़ों का जो करप्शन है वो बीआरएस कर रही है। लेकिन उस बारे में मैं पूछता हूँ कि 2009 में अचानक आपके अनाउंसमेंट से जो 1200 छात्र का देहांत हुआ, शहादत हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं? राहुल गांधी जी से मैं आपके द्वारा सवाल करता हूं, क्या उन छात्रों के परिवारों को वो जवाब देंगे? क्या उनके बारे में बताएंगे, जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ हमारे गलत फैसले से उन छात्रों की का देहांत हुआ, शहादत हुई, और हमने उनके शहादत का नाजायज फायदा उठाते हुए केसीआर के साथ अंडरस्टैंडिंग की कि हम दोनों, आप हम बाहर रहेंगे, आप माल लूटिए, आप हमें सप्लाई कीजिए, हमें एमएलए सप्लाई कीजिए, और हम उन जो शहीदों के बारे में न चिंता करेंगे, न परिवारों के और न जनता की चिंता करेंगे। आज फिर वही एक काम करने के लिए कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस के बड़े नेता जैसे जेना रेड्डी, कोमत रेड्डी, वेंकट रेड्डी, बीआरएस के साथ गठजोड़ कर लिया, इनके खिलाफ का कांग्रेस कोई कार्रवाई करेगी? राहुल गांधी पहले इस बारे में जवाब दे तो अच्छा होगा कि इनके ये जो बड़े लीडर है वो जो बीआरएस के साथ क्यों गठजोड़ किया, आखिर क्या अंडरस्टैंडिंग है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीआरएस, कांग्रेस, एमआईएम, ये सिक्के के एक ही पहलू है, और ये सब तीनों पार्टियों का एक ही काम है कि अपने, जैसा मैंने कहा, परिवार को प्रोटेक्शन करना, परिवार के लिए काम करना, परिवार वाले लोगों के लिए काम करना, इसलिए बीआरएस को बोलते हैं भ्रष्ट रिश्तेदार समिति, मतलब अपने परिवार के लोगों ही के लिए चिंता करनी है, जनता के नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि अब जनता समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी जिसका उद्देश्य है जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे, जनता के सामने इनकी सच्चाई रखते रहेंगे, और जनता से उम्मीद करते रहेंगे कि जनता ऐसे भ्रष्टाचारी पार्टी, परिवारवादी पार्टी और भ्रष्ट लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। मैं आपके माध्यम से कुछ सवाल जो उठाए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी या रेवंत रेड्डी इसका जवाब देंगे, कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देगी कि उन लोगों के जो शहीदों के जो 1200 छात्र जो शहीद हुए इसके जिम्मेदार कौन थे, रेवंत रेड्डी पे क्या वो क्वेश्चन करेंगे, रेवंत रेड्डी से जो जो करप्शन का केस चल रहा है क्या उसकी जानकारी प्रदेश की जनता को देंगे और उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे,
क्या और उस पर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे जब उनकी सरकार आएगी, अगर जैसा कहते हैं? क्या आखिर क्यों बीआरएस के मुखिया जो रेवंत रेड्डी पर सवाल नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या अंडरस्टार्ट घाट है? ये सब सवालों का जवाब उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से वो देने का प्रदेश की जनता को करेंगे। धन्यवाद। आपके कोई सवाल होंगे तो मैं जवाब दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट डजंट होल्ड फंड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट, बट इफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट, इफ स्टेट गवर्नमेंट इज डूइंग करप्शन, देन वी डेफिनेटली विल होल्ड स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सच करप्शन। दैट इज वाई इवन राहुल गांधी, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राहुल गांधी इज अक्यूजिंग केसीआर दैट ही हैज इंडल्ज इन करप्शन एंड ही हैज मेड 1 lakh crore। ऑफकोर्स he is only trying, is a crocodile tears he is shedding in front of the people, but fact is that it is the BRS government which is responsible for this mishap of this project, and it will be investigated and we are holding them responsible. देखिए, नो, एवरी ड्यू डिलिजेंस इज डन एट द सेंट्रल लेवल, बट हु एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट? इट इज द स्टेट गवर्नमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन, एंड इफ दे आर मेकिंग करप्शन व्हेन यू गिव अ प्रोजेक्ट टू समवन फॉर एग्जीक्यूशन, इट इज द एग्जीक्यूशनर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड और बैड what is being delivered. So it is the KCR, BRS and KCR directly responsible for all the bad thing happened in Kamaleshwar project. As far as Delhi is concerned, it is unfair to make that kind of statement. Delhi LG is providing every single support to the state government, and he is ensuring that whatever has been committed to the people and for their welfare must be delivered, because the Kejriwal ji has a tendency to commit and do not deliver. For instance, Mr. KCR, what did he commit? 2 room ka ghar denge, 3 acre zameen denge apne SC ST samaj ke logon ko, kya diya? Main aapke dwara sawal karta hu, kya un logon ne jo vaada KCR ne kiya tha diya? Nahi diya. Yahi kaam hai aisi partiyon ka jo parivarvad wali partiyan hain, jo vaade karte hain but they don't deliver. And we will, as a party, continue to expose them, because we feel we are a responsible party. It is our responsibility to ensure that the common man's interest is safeguarded. A common man on the street must feel safe and secure by the governance model of the government. If there is a lacuna in the governance model, we will expose them.